वेलकम टू माय चैनल पोटो टेक्निकल। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर सीपीयू रैम कम है, पीसी स्लो है तो आप अपना वॉच टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहले देखिए हम बता देते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। मैं जैसे इस फाइल पे डबल क्लिक करता हूं तो देखिएगा होगा क्या। तो अब देखते रहिए क्या होगा कि यहाँ पर एक क्रोम ओपन हुआ, तो अभी थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही बंद हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यही कमांड्स यूज़ करने वाले हैं। ये थोड़ी देर में देखना अपने आप क्लोज हो जाएगा, 20 सेकंड्स का टाइम डाल रखा था मैंने इसमें। तो हमारे ये क्रोम जो है वो वही है जिनमें अलग अलग वीपीएन यूज हो रखे जेनमेट के। तो ये देखिए फर्स्ट वाला क्लोज हो गया, दूसरे वाला अपने आप स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली हमें भी यही करने वाले हैं कि आप बार बार एक एक क्रोम खुद खोले बंद करेंगे, खुद खोले बंद करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होएगा। तो हम ये कमांड्स के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू इनको रन करेंगे। अगर आप ये सारे देखिए, स्लो पीसी में क्यों बोल रहा था कि जैसे अगर आप ये सारे ओपन करते हैं एक साथ में तो आपका रैम और सीपीयू दोनों यूज होंगे, जिससे आपका पीसी स्लो हो जाएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है कि आप एक एक करके अपने आप ही बंद ओपन होंगे और क्लोज होंगे तो आपका व्यूज भी काउंट होएगा और वॉच टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, पहले इसको आप राइट क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, एडिट करेंगे, क्योंकि ये एक बैच फाइल है। ठीक है, तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और इसको एक जो कोड है उसमें जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके, ये नोटपैड की फाइल में बना रखा है तो इसको एडिट करेंगे तो नोटपैड की फाइल ओपन हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे ये जो कोड है इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में लिखा इको ऑफ, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखा हो स्टार्ट, स्टार्ट यानी कि क्या स्टार्ट करेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैंने पाथ दे रखा है, किसका पाथ दे रखा है, ये क्रोम वन का। तो ये क्रोम वन है, ठीक है। ये पाथ कैसे दिया था हमने इस पर, तो पाथ हमने इस पर कैसे दिया था, हम इस पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज़ में आपका इसका सोर्स मिल जाएगा कि ये कहाँ से आया। टारगेट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो ये टारगेट में जो है ये इसका पाथ है कि भाई ये यहाँ पर जाके इंस्टॉल हुआ है। तो इसको हम पूरे को कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे, आपका कोई भी ब्राउजर हो आप इस तरीके से उसका पाथ कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप क्रोम ही करें, ये पूरा डालें। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा डालें, यूनिवर्सिटेड कोमाज के अंदर डाल रखा है, देखिएगा पूरी कोड को। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड है वो है आपकी वीडियो का लिंक, यहाँ पे https करके लिंक आपको दिखाया जा रहा है। ये आप अपनी वीडियो का लिंक डाल लें, जो भी आप वीडियो प्ले करना चाहते हैं, जिसका वॉच टाइम या व्यूज बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका वीडियो का लिंक हो गया। उसके बाद आता है टाइम, ये टाइम है सेकंड्स में, 20 सेकंड, जैसे कि मैंने बताया था 20 सेकंड के बाद आपका क्रोम बंद हो जाएगा। तो ये आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग ही डालें, वीडियो में जैसे कि अगर एक मिनट का है तो आप 60 सेकंड डालें, दो मिनट का है तो 120 डालें, तीन मिनट का है तो 180। ये तो सेकेंड्स में चलेगा आपका कि इतने सेकेंड्स के बाद ये बंद हो जाएगा, स्लिप टाइम यानी कि इतने सेकेंड्स के बाद ये स्लिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपकी मिनट में आपकी वीडियो है और उसके बाद सेकंड्स भी है तो उनको टोटल करके। और ये कमांड्स जो है टाइम आउट वाली, ये इसको क्लोज करने वाली है कि भाई ये बंद हो जाएगा। उसके बाद दोबारा दो सेकंड, ये देखो सेकंड में सेट स्टार्ट टाइम, उसके बाद फिर से दूसरा ये क्रोम हमने वन डाला था ऊपर, तो यहाँ पर हम क्रोम टू डाल देंगे नीचे चेंज करके। तो जैसे ही वो बंद होगा उसके दो सेकंड बाद दूसरा अपना क्रोम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ये आईपी भी दूसरी होगी और आप यहाँ पे दूसरी वीडियो डाल सकते हैं लिंक। तो आप दूसरी यानी कि 10 वीडियो आप 10 क्रोम डाल सकते हैं, तो सबका एक एक बढ़ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसमें भी आप वीडियो के अकॉर्डिंग टाइम चेंज कर लें, एक मिनट का तो 60 सेकेंड, दो मिनट का तो 120 सेकेंड। तो इस तरीके से आप इनको, आप जितने भी आपने इंस्टॉल कर रखे हैं और जिनमें आपने वीपीएन वगैरह यूज कर रखा जेनमेट का, तो आप वो यहाँ पे डाल के सेट करके। ठीक है, तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। ये दो यहाँ पे ऑलरेडी थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा भी दिए थे, तो फर्स्ट में मैं डाल रहा हूँ 5 सेकंड का, दूसरे में 10 सेकंड का, और अभी मैं आपको तीसरा और ऐड कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। आप ये कॉपी करें कोड कहाँ से कहाँ तक का, ये देख लेना इसमें मैंने जो सेलेक्ट किया है, और जो लास्ट में F जो लिखा हुआ टास्क स्किल वहाँ पर एंटर करके उसको पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये देखिए जो कोड हमने कॉपी किया था ये वो कोड है।
ठीक है। यहाँ पे हमने करना कुछ नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्रोम की बनी हुई है सीरीज़ में, तो क्रोम जो 2 है वहाँ की उसकी जगह हमने सिर्फ 3 करना है क्योंकि ये सीरीज़ में चले हुए हैं सारे के सारे। और ये आपकी वीडियो पर आपको चेंज करना है, लिंक चेंज कर दे और टाइम उसका सेट कर दें, ठीक है। तो एक 5 सेकेंड के बाद बंद होएगा, एक दूसरा 10 सेकेंड के बाद, तीसरा यहाँ पर हम डाल देते हैं 15 सेकेंड्स। तो इसको अभी क्या करना, हमने इसको करना है सेव एज, ध्यान रखना इसको सेव एज करें क्योंकि अगर आप इसको सेव कर देंगे तो नोटपैड की फाइल सेव हो जाएगी तो ये कमांड रन नहीं होगी। तो सेव एज करेंगे तो ये आपसे पूछेगा नाम, जो भी चाहे आप डाल सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखना यहाँ पे ये .bat बैच, जिसको बैच फाइल बोलते हैं, .bat ये ज़रूर ध्यान रखें, ये आपको ज़रूर डालना लास्ट में नाम की .bat, उसको बाद इसको कर दें सेव तो ये आपकी एक बैच फाइल बन जाएगी। इसी नेम से ऑलरेडी है तो हम इसको कर देते हैं सेव। अब इसको देखिएगा, हम डबल क्लिक करते हैं तो होगा क्या, ये देखिए ये चल गया। अब 5 सेकेंड के बाद ये अपने आप क्लोज हो जाएगा, क्लोज। अब ये दूसरा स्टार्ट हो गया 2 सेकेंड के बाद, अब ये 10 सेकेंड के बाद क्लोज हो जाएगा और तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका एक टाइम में एक ही ब्राउज़र चलता रहेगा, ये तीसरा स्टार्ट होगा देखिए। अब इस तरीके से एक बार स्टार्ट करके इसको छोड़ दीजिएगा और आपकी वीडियो जितनी लंबी उतनी चलने के बाद जो टाइम सेट है ये अपने आप क्लोज हो जाएगा और दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपना वॉच टाइम और व्यूज दोनों आप एक साथ इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहिएगा, मैं और भी वीडियोस बना रहा हूँ आपके वॉच टाइम के रिगार्डिंग। तो ये सारे के सारे आप देखिएगा, आप उसमें डाल लीजिएगा कॉपी पेस्ट करके कोड को। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है। और भी वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको थोड़ा सा भी इससे बेनिफिट हो रहा है तो, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ज़रूर करिएगा, नहीं हो रहा तो आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।